लिए प्रस्तुत है डॉक्टर सुनील जोगी का एकल काव्य पाठ, जिसका संचालन कर रहे हैं ओज के कवि राजेश जैन चेतन। मैं राजेश चेतन जोगी हास्य हंगामा महफिल में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर सुनील जोगी का आप स्वागत करें। आप भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म मनुष्य के रूप में हुआ, क्योंकि हंसने का वरदान केवल और केवल मनुष्य के पास है। कोई गधा आपको हंसते मिल जाए तो मानिए कि मनुष्य होने जा रहा है, और कोई मनुष्य आपको मनहूस दिखाई पड़े मानिए गधा होने जा रहा है। आप और अधिक भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म भारत में हुआ। हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर सुनील जोगी युवा पीढ़ी के वह हास्य कवि हैं जिनको भारत में बड़े प्यार से, बड़े दुलार से सुना जाता है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि युवा पीढ़ी के जो दो चार कवि भारत में होते हैं उनमें से डॉक्टर सुनील जोगी एक हैं, और मां सरस्वती ने उन पर अपार कृपा की है, क्योंकि हास्य कविता और वे भी गा के प्रस्तुत करना, ये मां सरस्वती ने उन पर विशेष कृपा की है। हमारा सौभाग्य है कि आज की महफिल में डॉक्टर जोगी यहां विराजमान है। मैं चाहता हूं कि वे अपना काव्य पाठ आरंभ करें और हम सब जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर सुनील जोगी। शुभकामना की पंक्तियां कुछ पढ़ता हूं मैं सबसे पहले। स्वागत। मंच को प्रणाम है, आपको सलाम है, जिसने ये जतन किया है उसको राम राम है। शाम को सजाइए, सारे गम भुलाइए, मैं हंसाने आ गया हूँ, आप मुस्कुराइए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, एक बार जोर तालियां बजवा लेनी जरूरी है एडवांस में, क्योंकि बात का भरोसा नहीं है। मैंने एक कल्पना की कि अगर हम मंच की परंपरा के अनुसार सरस्वती वंदना से कार्यक्रम शुरू करते हैं, अगर किसी भ्रष्ट राजनेता को बुला लिया जाए और उससे कहा जाए कि वो माँ शारदे की वंदना करे, तो कोई आज का भ्रष्ट राजनेता क्या वंदना करेगा? वो वंदना मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत अच्छा। कि हे सरस्वती मैयावर दो, हे सरस्वती मैयावर दो, हे सरस्वती मैयावर दो, हे सरस्वती मैयावर दो, जितवा कर माते लेक्सन मा पीएम की कुर्सी पर धर दो, हे सरस्वती मैयावर दो, हे सरस्वती मैयावर दो। क्या कहना? सौहार गले में पड़े रहे, 10 फोटोग्राफर खड़े रहे, क्या कहना, नोटों से भरे हुए बक्से मेरे बंगले में गड़े रहे, उड़ करके जाऊं अमेरिका चार्टर्ड विमान वाले पर दो, हे सरस्वती सरस्वती मैया वर दो, तुझको मंदिर बनवा दूंगा, मैं कुर्सी पर ही रह लूंगा, क्या कहने, जनता चाहे सौ ताने दे, सब हंसते हंसते सह लूंगा, मेरे विरोधियों को मैया फौरन तियाड़ वाला घर दो, हे सरस्वती मैया वर दो, हे सरस्वती मैया। और अंतिम अंतिम कामना क्या होगी? कि अपमान कभी ना बुरा लगे, मैं इतना ऊपर उठ जाऊं, क्या कहने हैं, कि अपमान कभी ना बुरा लगे, मैं इतना ऊपर उठ जाऊं, बत्ती सी खिली रहे हर दम, चाहे पब्लिक में पिट जाऊं, 100 जूते खाकर झुके नहीं है माँ, मुझको ऐसा सर दो, हे सरस्वती मैया वर दो, हे सरस्वती मैया वर दो, जितवा कर माते इलेक्शन मा पीएम की कुर्सी पर धर दो, हे सरस्वती मैया वर दो। बहुत अच्छे, क्या कहने, बहुत अच्छा। चेतन जी हमारे ऐसे मित्र हैं जिनके रहते मुझे कभी दुश्मनों की कमी अखरती नहीं, सुझाव देते रहते हैं, कहते रहते हैं आदमियों को प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए। मैं कहता हूं जो लोग ऐसे सुझाव देते हैं उनके लिए मैं एक छंद आपको सुनाता हूं। स्वागत स्वागत। कि अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं, क्या बात है, अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं, लंगड़े हैं जो वो हमको चलना सिखा रहे हैं, वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं। और अगली पंक्ति में अगर आपको लगे कि भरपूर हास्य है एक पंक्ति में तो समर्थन करें, कि वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं,
जो अपनी प्रेमिका से राखी बंधा रहे हैं। अच्छा मान लो प्रेम हो ही जाए, मोहब्बत हो ही जाए, तो क्या मुश्किल हो सकती है? एक मुश्किल मेरे एक मित्र हैं, सीएम सरदार मस्कट में रहते हैं, उन्होंने एक मुश्किल मुझे बताई। वो मुश्किल मैं आपको बताता हूं कि है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी। क्या कहने? भीतर से है बुढ़ापा, बाहर से है जवानी। नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी, नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी। तेरी दाई आंख कानी, मेरी बाई आंख कानी। वाह वाह वाह,